आसमा आसमा क्या कर रही हो तुम? जल्दी इंजेक्शन लेकर आओ। आसमा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अरमान ने मेरा नाम लिया हो? पेशेंट को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया और डॉक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। जी हाँ, शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से अरमान और आसमा का सफर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरमान जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन आसमा को लगता है कि पिछले 6 साल से मैं बिना अरमान के किस तरीके से स्ट्रगल कर रही हूँ, ये हम सभी जानते हैं। अरमान और आसमा 6 साल पहले अलग हुए थे और फिर जो है इनकी मुलाकात फिर से हुई। एक्सक्यूज मी, जो पेशेंट यहाँ थे वो कहाँ गए? डिस्चार्ज मिल गया, जो उनको लेके आए हैं वापस उसको ले गए। मैं उनकी फाइल देख सकती हूँ प्लीज? ओके थैंक यू। कौन था वो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो अरमान था? इन पति पत्नी का प्यार इतना टूट है कि इससे पहले भी हमने देखा था कि आसमा पड़ोसी मुल्क चली गई थी और सबको लग रहा था आसमा मर चुकी है, लेकिन अरमान के अंदर ही अंदर एक भरोसा था कि नहीं, मेरी आसमा जिंदा है। और आसमा जिंदा ही थी, इसलिए अरमान में ये चीज जगी थी कि मुझे लेकर आना है अपनी आसमा को। कुछ ऐसा ही अब फिर से देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अरमान की जगह इस बार आसमा है। जी हाँ, अरमान जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा है, घर वाले इस बात को मान चुके हैं और आसमा जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट वो तो घर वालों से प्रॉमिस कर चुकी है कि वो अरमान को जल्द से जल्द वापस लेकर आएगी, आप उसे बस थोड़ा सा समय दीजिए। दूसरी तरफ जो आरवी है यानी कि रणविजय, वो भी एक के बाद एक ऐसी हरकत कर रहा है जो कि आसमा के बीच में बाधा डाल रहा है। आने वाले एपिसोड में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अब आसमा कैसे इन सारी चुनौतियों का सामना करेगी। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।